हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। मैं आ गया हूँ एक बार फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक और वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने बताया था, ये चैनल पर मैं आपको बीकॉम की अकाउंटिंग्स पढ़ाने वाला हूँ। इफ़ यू आर बिलोंग फ्रॉम बीकॉम फर्स्ट ईयर्स फॉर एनी काइंड्स ऑफ यूनिवर्सिटी, तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए। अभी मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आपको पूरा प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अगर अभी थोड़ा डिले होगा तो आप शाम तक आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने हर सब्जेक्ट्स की अलग अलग वीडियोज़ वहाँ पर पुट कर दी हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी मैंने आपको जर्नल सिखाई, जर्नल के बाद अब आता है हमारा लेजर का पोर्शन कि लेजर क्या होता है, कैसे हम सीखते हैं। तो सबसे पहले आप लेजर की क्या, सबसे पहले आप जान सकते हैं कि लेजर होता क्या है। लेजर को हम कहते हैं खाता भाई। जी हाँ दोस्तों, लेजर जैसे अकाउंटिंग का एक तरीका होता है कि सबसे पहले जर्नल, जर्नल के बाद लेजर्स, लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यही फाइनल अकाउंट, यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक स्टेप बाय स्टेप पोर्शन होता है। तो सबसे पहले आपने जो जर्नल समझा है वो क्या होता है, जो भी एक बिजनेसमैन वो ट्रांजेक्शन्स करता है इन द बिजनेस, तो उस सारी ट्रांजेक्शन को वो एक बुक में रिकॉर्ड करता है, उसको कहते हैं हम जर्नल। जब उन बुक्स में वो रिकॉर्ड कर लेता है, उसे रिकॉर्ड करने के बाद फिर वो ये चाहता है कि मैंने किस कस्टमर को कितना सामान बेचा, मुझे कितना मैंने खर्च किया इस पूरे मंथ में, कितना मैंने डिपॉजिट किया, कितना मैंने कितना किससे लेना है, कितना किसको देना है, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए वो एक लेजर्स मेंटेन करता है। लेजर्स का मतलब होता है वेब बुक, वेब अकाउंटिंग, जहाँ पर पर्टिकुलर एक आइटम यानी कि एक मद से संबंधित अकाउंट सारा एक जगह पर ही हो। जी हाँ दोस्तों, लेजर की परिभाषा भी यही है, वेयर वी एंट्री, वेयर वी पोस्टिंग द अमाउंट्स फ्रॉम द जर्नल्स, जर्नल से हम जो अमाउंट पुट करते हैं इन द लेजर्स, वो बुक जहाँ पर एक मद से संबंधित अकाउंट एक जगह होता है। आप मेरे सामने बोर्ड पर कुछ एंट्रीज देख रहे होंगे, ये जर्नल एंट्रीज हैं आपके सामने, मैंने कुछ पहले से प्रिपेयर की है, मैं इनको एक एक करके समझा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम जर्नल की ओर चलेंगे। तो जिन्हें जर्नल अभी भी लेजर की ओर चलेंगे सॉरी जिन्हें जर्नल अभी भी नहीं आता, थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं, तो उन्हें मैं बता दूँ कि आप थोड़ा सब फोकस कीजिए, आपको जर्नल क्या, लेजर क्या, मैं आपको सारी अकाउंटिंग सिखा दूंगा। दोस्तों सबसे पहले जो बात आती है कि पहली एंट्री क्या है, वो है परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश। अगर किसी को जर्नल नहीं आती है, वो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी पिछली वीडियो पर जाइए जहाँ पे मैंने जर्नल के रूल भी बताए हैं, जर्नल बनाना सिखाया भी है, तो वहाँ पर जाकर आप सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली एंट्री आपका परचेज डेबिट टू मुकेश, ये क्या एंट्री है। सबसे पहले जर्नल की रूल आपको पता होगा, टू साइड्स होती हैं, हमें बनानी होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट का मतलब है जो पाने वाला होता है उसको डेबिट करते हैं, जो कुछ आता है उसको डेबिट करते हैं, कोई खर्चा होता है हम उसको डेबिट करते हैं। ये एंट्री है कि हमने मुकेश से माल खरीदा, हम गुड्स परचेज फ्रॉम मुकेश ऑन क्रेडिट, मुकेश से माल खरीदा, तो हमारे पास जो कुछ आता है, व्हाट कम्स इन, हमारे पास गुड्स आया, तो गुड्स विल बी डेबिट, तो गुड्स यानी कि परचेज को हम डेबिट कर दिया। अब कुछ टीचर्स गुड्स को गुड्स बोलते हैं, लेकिन गुड्स केवल बोलने के लिए होता है, अकाउंट में परचेज और सेल होता है, ये ध्यान रहे आपको। उसके बाद देने वाला कौन है, मुकेश, जो गिवर होता है उसको ऑलवेज क्रेडिट करते हैं, रिसीवर डेबिट होता है, गिवर क्रेडिट होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है। तो मुकेश से माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश, क्योंकि मुकेश से आया। द सेकंड वन इज एंट्री गुड सोल्ड, यानी कि नगद माल बेचा, कैश गुड सोल्ड, नगद माल बेचा। तो आप सोचिए, एज ए बिजनेसमैन आपने जब कुछ गुड्स सोल्ड आउट करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा और आपके पास से माल जाएगा, तो जो आता है व्हाट कम्स इन इज टू बी डेबिट और व्हाट गोज आउट यानी कि माल गया टू सेल्स अकाउंट। सेकंड एंट्री आपको समझ में आ गई। तीसरी एंट्री है फॉर फाइनल पेमेंट गिवन, मुकेश को हमने भुगतान कर दिया। अब आप देखिए मुकेश को ऊपर कितने पैसे देने थे, 10,000, हमने दिए उसे 9,800 और 200 का हमें मिला डिस्काउंट। तो यहाँ पे रूल कहता है रिसीवर डेबिट होता है, हमने पैसे दिए मुकेश को, मुकेश रिसीवर है, वो डेबिट होगा, और आपके पास से जो जा रहा है व्हाट गोज आउट वो क्रेडिट होता है। रूल आप पढ़ लीजिए, पिछली वीडियो में मैंने रूल बताए हैं, बिना रूल के जर्नल नहीं होता गाइज। तो पाने वाला मुकेश है, मुकेश डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो इस तरह से आपकी ये एंट्री बनेगी। अगर किसी को डिस्काउंट वाली एंट्री बनानी नहीं आती तो उनका तरीका बताता हूँ, आप डिस्काउंट को भूल जाइए, आप बस ये सोचिए कि हमने मुकेश को पैसे दिए, तो पाने वाला कौन हुआ, मुकेश, मुकेश डेबिट, और क्या जा रहा है आपके पास से, कैश, तो जो जा रहा है वो क्रेडिट यानी कि टू कैश। और आपको ये बात बता दूँ, डिस्काउंट जो है उसका कैश के साथ भाई बहन का रिश्ता है, जहाँ पे कैश जाता है वहाँ पे डिस्काउंट जाता है। अगर कभी किसी एंट्री में कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट उसी के साथ डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट उसी के साथ क्रेडिट होगा, ऐसे आप लगा सकते हैं इसके अंदर एंट्री। उसके बाद गाइज बात करते हैं बाद में कि
ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सेकेंड एंट्री हमारी ड्राइंग्स डेबिट, लास्ट एंट्री है ड्राइंग्स टू परचेज, यानी कि गुड्स आपने विड्रॉ किया फॉर द पर्सनल पर्पस। तो जब हम गुड्स विड्रॉ करते हैं पर्सनल पर्पस के लिए तो वो हमारी एसेट्स होती है बिजनेस की, तो एसेट्स संपत्ति को डेबिट करते हैं, ड्राइंग्स हमारा डेबिट हुआ और ड्राइंग्स के वजह में आपके पास से जो पैसे माल गया है वो आपने खरीदा था वो परचेज होगी, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, जो जा रहा वो क्रेडिट टू परचेज। तो हमारे पास ये चार एंट्री हैं, इन चार एंट्री के बेसिस पर हम समझने जा रहे हैं लेजर। तो आइए आपको थोड़ा सा लेजर समझाते हैं, लेजर समझेंगे, लेजर की ओर फोकस करते हैं। एंट्री आपने देखी ली और बाकी जो चीज़ समझ में नहीं आती वो आपको धीरे धीरे मैं बता दूंगा, ठीक है गाइज। तो लेट्स स्टार्ट द लेजर्स। जी दोस्तों चलिए और करीब आ गए आप मेरे। पहला लेजर आप लेजर देख पा रहे होंगे, मैंने बताया अभी लेजर वो बुक है जहाँ पे हम सारी एंट्रीज को एक एक नाम से अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको बता दूं ये जो लेजर का डेमो मैंने दिखाया है, इस डेमो में टोटल 8 लाइंस हैं, जो चार इधर की लाइन है ये है डेबिट साइड। कौन सी साइड गाइस? डेबिट साइड। और जो चार इधर की साइड है ये है क्रेडिट साइड। ओके गाइस, तो एक लेजर में दोनों साइड होती हैं, डेबिट भी क्रेडिट भी। 8 लाइंस होती हैं, पहला डेट पर्टिकुलर और तीसरा होता है जेएफ, जैसे जर्नल में एलएफ होता है लेजर फोलियो। ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे बनाया नहीं मैंने, बट ये होता है, पिछली वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे जर्नल फोलियो, यानी कि ये भी एक बुक होती है, ये भी एक बुक होती है, इसके पेज नंबर यहाँ डलते हैं और इसके पेज नंबर यहाँ डलते हैं, इसलिए यहाँ पे लेजर फोलियो और यहाँ पे जर्नल फोलियो, ठीक है गाइस। फोलियो मीन्स पेज नंबर, उसके बाद अमाउंट, और सेम यही इधर आते हैं चार कॉलम, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट्स। मैंने कुछ डेमो बनाए हुए चार, एक में मैंने सारा डिटेल भरी है, ऊपर सब में आपको ऐसी बढ़ना है। अब आइए एक एक की पोस्टिंग करते हैं कैसे करेंगे। पहली एंट्री आपको नहीं दिख रही है कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ, एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट। जी हाँ दोस्तों, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। तो आपको पहले परचेज का लेजर बना लेना है। तो मेरे सामने ये लेजर है, मैं इसको परचेज नाम दे देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हर एक नाम से अलग अलग लेजर बनेगा, तो मैंने इसको परचेज नाम दे दिया, यानी कि आपका ये परचेज का लेजर हो गया। अब इसमें पोस्टिंग कैसे करेंगे, तो देखिए आपको जिस एंट्री में पोस्टिंग, जिस नाम में पोस्टिंग करनी है आप उसका प्लेस चेक करें, वो डेबिट है या क्रेडिट है। आपको परचेज में पोस्टिंग करनी है तो बताइए परचेज क्या है, परचेज डेबिट है। दोबारा देखिए, आपको परचेज में पोस्टिंग करनी है तो परचेज क्या है, परचेज डेबिट है। तो आप परचेज के लेजर में उसी साइड में जाओ, दोबारा बताता हूँ, परचेज डेबिट है तो परचेज के लेजर में डेबिट साइड में ही जाइए और क्रेडिट लिखिए। एक बात ध्यान से सुनिए, अपने लेजर में अपना नाम नहीं आता, अगर आप परचेज में लिखोगे तो परचेज नहीं आएगा, उसके साथ वाला आएगा। तो देखिए मुकेश परचेज के साथ कौन है, मुकेश। ऐसे ही मैं जब मुकेश के यहाँ पोस्टिंग करूँगा तो मुकेश के साथ कौन है, परचेज। तो अपने लेजर में अपना नाम नहीं आता, दूसरे वाले व्यक्ति का नाम आता है, ये भी आप ध्यान से देखें। जी हाँ दोस्तों, दूसरे वाले व्यक्ति का नाम आता है, तो परचेज में हम जब जाएंगे तो उसके साथ कौन है, मुकेश। तो परचेज के डेबिट में जाइए और लिख दीजिए यहाँ पर टू मुकेश, अमाउंट लिखिए 10,000 और डेट वगैरह जो भी होती है, सपोज 1 जनवरी है, वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। ऐसे ही जब आप मुकेश के एंट्री करते हैं तो अब आप मुकेश का प्लेस देखिए, मुकेश क्या है, जैसे हमने देखा था परचेज डेबिट था तो हम डेबिट में गए, मुकेश क्या है, टू मीन्स क्रेडिट, मुकेश क्रेडिट है तो मुकेश का लेजर बनाते हैं। लीजिए मुकेश का लेजर मैंने बना लिया, मुकेश अकाउंट। जब किसी व्यक्ति के नाम का अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आप अकाउंट नहीं लगा सकते, अपोस्ट्रोफियस लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफियस के बाद आप अकाउंट लगाइए। तो जब मैं मुकेश के यहाँ पोस्टिंग करूँगा तो आप मुकेश का प्लेस मुझे बता सकते हैं सब, मुकेश का प्लेस है क्रेडिट, तो आप क्रेडिट साइड में जाइए, जो इधर वाली साइड है ये डेबिट है, जो इधर वाली साइड है वो क्रेडिट है, तो क्रेडिट में जाइए। और क्रेडिट में जाने के बाद करना क्या है, उसके साथ वाला नाम लिखना है, मुकेश के साथ कौन है, मुकेश के साथ है परचेज, तो मुकेश के क्रेडिट में जाकर बाय परचेज। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर लेजर में डेबिट को डेबिट नहीं लिखते, बाय लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाय लिखते हैं, दोबारा समझ लीजिए दोनों को, परचेज में पोस्टिंग करनी तो परचेज डेबिट है, उसके डेबिट में जाओ क्रेडिट लिखो, मुकेश में पोस्टिंग करनी, सब में पोस्टिंग होगी जिनके नाम है, सबके अलग अलग लेजर बनेंगे, एक नाम का एक लेजर बनेगा और जितने नाम आते रहेंगे लेजर बनते रहेंगे। ये मुकेश, मुकेश के यहाँ पोस्टिंग करेंगे तो मुकेश क्रेडिट है, मुकेश के क्रेडिट में जाकर डेबिट लिखेंगे जो था परचेज, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, कैश टू सेल, तो आप कैश का प्लेस देखिए क्या है, कैश का प्लेस है डेबिट, मैं यहाँ पे कैश अकाउंट बना रहा हूँ, कैश के डेबिट में गए, ये वाली साइड है डेबिट, और अपोजिट वाला लिखेंगे क्या है कैश के साथ, टू सेल्स, समझ गए आप, ऐसी सेल्स क्रेडिट है, तो सेल्स का बनाएंगे उसके क्रेडिट में जाकर क्या लिखेंगे,
कैश। जी हाँ दोस्तों, सेल्स के क्रेडिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे, बाय कैश, क्योंकि डेबिट को डेबिट नहीं लिखते, ये मैंने सेल्स का बना लिया। तो आप चार लेजर देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, परचेज, मुकेश, कैश, सेल, ऐसे जितने लेजर चाहे आप बना सकते हैं, सबका मेथड एक ही होता है, एक ही सबका मेथड होता है। तो आपने भी पोस्टिंग की है, कैश के डेबिट में गए और लिखा सेल्स, सेल्स में गए लिखा कैश, अपने यहाँ अपना नाम नहीं आएगा, दूसरे का नाम आएगा। जब डेबिट में जाओगे तो क्रेडिट लिखोगे, क्रेडिट में जाओगे तो डेबिट लिखोगे। अब चलिए इसकी अमाउंट भी लिख देता हूँ मैं, 15,000। समझिए दोस्तों, तो एक और बना लेते हैं, अगर आपका मन है तो एक और सिखा देता हूं मैं, जैसे जी हाँ। अब आ गया नेक्स्ट मुकेश डेबिट, तो आप देख सकते हैं मुकेश का ऑलरेडी बना हुआ है, मुकेश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, तो मुकेश के डेबिट में जाएंगे, और चूंकि दो है हमारे पास क्रेडिट, दोनों लिखेंगे, तो मुकेश के डेबिट में जाइए, टू कैश टू डिस्काउंट, तो कैश में 9,800, डिस्काउंट में 200, सपोज 2 जनवरी है तो आप इसे डाल दीजिए। समझ गए आप दोस्तों, तो जब मुकेश में पोस्टिंग करेंगे दो थे क्रेडिट में, दोनों जाएंगे। अब देखिए, अब आ गया कैश, क्योंकि सब में पोस्टिंग होगी, इसमें हो चुकी है, अब किसका नंबर है, कैश, तो कैश क्रेडिट है, तो इसके अगेंस्ट कौन जाएगा, ये डिस्काउंट या मुकेश, मुकेश जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट तो इसके साथ है, अपोजिट वाला जाता है, तो जो कैश है टू, तो कैश के लेजर में टू में जाएंगे, यानी कि क्रेडिट में जाएंगे, और क्या लिखेंगे वहाँ पे, मुकेश, तो यहाँ पे आ गया बाय मुकेश। तो अब आप बता सकते हैं अमाउंट कितनी जाएगी यहाँ पर, आप एंट्री में देखिए, यहाँ पर कैश के सामने जो अमाउंट है वो जाएगी। तो अभी मैंने बताया, कन्फ्यूज मत होइए, अपने लेजर में अपना नाम नहीं आएगा, लेकिन अमाउंट अपनी आएगी। जब आप कैश में जाके लिखोगे तो मुकेश आएगा, मुकेश में लिखोगे तो कैश और दोनों आएंगे, बट अमाउंट अपनी है।